एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे ही मैं रेडी होके बाहर निकली, वैसे ही देखा तो सबसे पहले मेरे ससुराल से मेरी सबसे बड़ी वाली ननद साहिबा आ चुकी थी और पहली बार नए वाले घर पे आई थी। सोचा था अच्छे से छोटा बेबी, मतलब हमारे बबनी का थोड़ा सा टीका विका करके स्वागत करेंगे, बट यहाँ पे कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, कोई चीज़ गिर गई थी और ध्यान नहीं आया था। फिर बाद में वो चीज़ मिल गई, तब जाके सबको सुकून मिला। और गए उसके बाद हम लोग नीचे गए और वहाँ पे सारी जो डेकोरेशन थी सब कुछ हो चुकी थी। आप लोग देखिए और बताइए कि आपको माता की चौकी के हिसाब से डेकोरेशन कैसी लगी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरी फैमिली का छोटा सा एक फंक्शन है जो हम सब ने मिलके सोचा है कि माता की चौकी कराए शुभ आरंभ। तो आप लोग बताइएगा सारी चीज़ें कैसी है, क्या है, कमेंट करके। और सच में मुझे इतनी खुशी हो रही थी, और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी कमेंट करके बताइए, और मेरे माता रानी का दरबार कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। उसके बाद मैंने जो अपनी ननद साहिबा हैं उनको दूसरा इयररिंग्स अपना पहनाया, और मैंने बोला कि नहीं आप अपना ये जो है वो रख लो, क्योंकि मेरा और मेरी ननद साहिबा का सेम है। ज्वेलरी को लेके हम लोग थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं, बट इस बार भगवान का शुक्र था कि अच्छे से वो हो गया, अदरवाइज़ बड़ी दिक्कत हो जाती। फिर यहाँ पे मम्मी ने कलश भरा, और कलश भर के मम्मी लेके जाएंगी नीचे, और अभी तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं। एंड गाइज, ये ब्लॉग आपको इतना अच्छा लगेगा ना, इतना पॉजिटिव लगेगा कि मतलब ऑटोमेटिक सब इतना हमारी खुशियों में खुश थे कि मतलब सबका ये था, एक अलग ही रौनक सा बना दिया था सबने मिलके, जो देख के दिल को सुकून, खुशी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। अभी हम सभी लोग जा रहे हैं नीचे, पूजा शुरू करना है क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया, 4 बजे का टाइम था, लेकिन करते करते कैसे भी करो लेट हो ही जाता है। यहाँ मेरे मामा जी आ गए हैं और मैं सर पे पल्लू नहीं रखा था, फिर अचानक से ध्यान आया कि अरे, फिर मैंने यहाँ पे पिनअप करके अपना पल्लू सेट कराया। मैंने ये साड़ी कुछ इस तरीके से पहनी है, कुछ अलग सी जो हमेशा पहनती हूँ उससे थोड़ी अलग। ये मेरी दूसरी ननद साहिबा भी आ गई, मामा जी की पूरी फैमिली आ गई। कल सब लोग नहीं आए थे तो सब लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, सब लोगों ने पूछा था। तो कल सब लोग इसलिए नहीं आए थे क्योंकि कल सभी का ऑफिस था और डे का फंक्शन था, तो सबके लिए ऑफिस की छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने ही बोला था और सबने डिसाइड किया था कि कोई बात नहीं, आप सभी लोग कल आइएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हर फंक्शन रोज़ ही सब लोग अटेंड करें, ठीक है। तो इसीलिए जिसको जब लगा उस हिसाब से सभी लोग आए, जब जिसको छुट्टी मिली। फिर पूरा परिवार यहाँ पे कलश लेके और जा रहा था, मेरी यहाँ पे दोनों ननद साहिबा भी थी, अभी मामी जी सब लोग नहीं आए हैं, वो भी धीरे धीरे सब लोग आएंगे, और उसके बाद सब लोग को इंजॉय करते हुए आप लोग देखोगे, आपको भी बहुत खुशी होगी। फिर उधर पूजा की सारी विधि विधान से शुरुआत हो रही थी, तब तक हमने सोचा जितनी हो सके फ़ोटोज़ वगैरह सब फैमिली फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं क्योंकि समय नहीं मिलता है। यहाँ पे मम्मी आगे कुछ कह रही थी, मम्मी ना मतलब इतना ज़्यादा वो हो गई है ना कि जो चीज़ हो भी जा गई है वो भी वो भूल जा रही है, वही चीज़ बार बार बोल रही है, माइंड इधर उधर हो जाता है। तो वही मैं उनको बोल रही थी कि ये एक चीज़ आपने मुझे तीसरी चौथी बार बोल दी है, ऑलरेडी हो चुकी है फिर भी। फिर उसके बाद हम लोग और फ़ोटोज़ क्लिक कराने लग गए, एंड उसके बाद मामी जी भी आ गई। Thank you.
काले भद्र काले कपालिने दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वासुदा नमस्ते या देवी सर्वदेशु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वदेशु मां कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वदेशु मां ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वदेशु मां ज्वाला रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्व सेवाधारों की ओर से मां की तरफ से और मां भक्तों से यही कहेंगे जो आपने गृह प्रवेश किया है जिस प्रकार आपने मां को बुलाया है मां आपको सदा अपने दरबार बुलाती रहे आप आगे आइए थोड़ा और एक आप पहले पूजन कीजिए फिर हम लोग ऊपर बारी बारी से जो भी आ रहा था सबको लेके जा रहे थे घर दिखाने के लिए और फिर मामी जी को ऊपर लेके गए घर दिखाने के लिए उनको भी घर सबको जो भी आया सबने घर की बहुत तारीफ़ की है जैसे हमारी छोटी फैमिली है मायके की तो उसके हिसाब से सब लोग कह रहे थे कि बहुत सुंदर घर है सबको हॉल ज़्यादा पसंद आ रहा था ख्वाबों के इस घर की खैर करे ओ रब्बा दूर कले कलेश और बर करे ओ रब्बा नाजों से बड़े जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन सजन घर आना था सजन घर आए है पिया मन भावाना था पिया मन भावे है हर खुशी है अब तुम्हारी मुझे दे दो जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन मंथन के मेरा माही आया अब सोना बन के दिल बिच मेरे वसदा तू ही रवा मैं तेरी बन के मंथन के मेरा माही आया अब सोना बन के दिल बिच मेरे वसदा तू ही रवा मैं तेरी बनके मेरी रूह दी तू लो माहिया मेरी रूह दी तू लो माहिया अखां दे तू रे सामण मेरे दिल बिच तू एंड ये देखो गाइस कौन आया ये राज है आप सबको पता है हमारे घर पे वहाँ पे काम वगैरह में हेल्प करता है सो इसने खुद से आके मम्मी को बोला कि आंटी मुझे भी ले चलो भाभी के घर मुझे भी जाना है और सच में मुझे इतना अच्छा लगा कि इसको मतलब मन था कि आए मेरे घर मेरे फंक्शन में इंजॉय करे शामिल हो तो मैंने मम्मी को बोला कि ज़रूर मम्मी ले आओ जब उसका मन है आने का तो और सच बताऊँ यहाँ पर इसने इतना इंजॉय किया मेरी फैमिली के साथ सर्विकारी तो सर्विकारी
चली